नाइट का देखिए ये हाल है और सुबह का हाल मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे मऊ का सब्जी मंडी। ये नाइट व्यू है, नाइट व्यू देखिए, किसी का कुछ भी पता नहीं है कि कौन यहाँ पे है। यही सुबह आएंगे तो इतना क्राउड कि आप लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये नाइट का व्यू है, देखिए ये सब पूरा भर जाएगा, मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। ये सब बांस देख रहा है, सब एक एक दुकान लगा होगा। हाँ सही, यहाँ पे जितने भी बांस लगा एक एक दुकान लगा रहा है सुबह नाश्ता करने के लिए। इसलिए सुबह 5 बजे 6 बजे ये लोग आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पे नाश्ता मिलता है। ये सब अपना ये बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे नाश्ता देते हैं लोग सुबह। यहाँ भी बहुत भीड़ रहता है सुबह, इसलिए कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ये फल मंडी है, ये फल मंडी, यहाँ पे फल मिलता है। तो ये फल मंडी है और उस साइड में सब्जी मंडी है। अभी हम लोग एक चक्कर मार लिए हैं, अब सुबह आकर दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना भीड़ होता है और किस तरह से लोग खरीदारी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक काटा है, मतलब कोई भी गाड़ियाँ आती हैं तो कितना वेट है सब बताते हैं लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक काटा है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे हम आपको आकर यहाँ पे दिखाया हूँ कि सब्जी मंडी का क्या हाल है, और सुबह चल के दिखाऊंगा कि सुबह कैसा हाल है। ये है बलिया मोड़ और इसी के आगे है मऊ का सबसे बड़ा मंडी, फल मंडी और सब्जी मंडी। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग सब्जी मंडी और फल मंडी दोनों मऊ के सबसे बड़े मंडी में पहुँच चुके हैं। ये राम मंडी स्थल जनपद मऊ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे हम भी मंडी में आए हुए हैं। ये मऊ का सबसे बड़ा मंडी है और अभी मंडी का मैं आपको शेयर कराऊंगा, मंडी में कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, और मंडी में क्या क्या मिलता है, कितने रेट में मिलता है, कितने चीप रेट में मिलता है, सब मंडी में हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अभी हम आप लोग के मंडी के अंदर लेके चलता हूँ। ये हम लोग मंडी में एंट्री कर लिए हैं। ये यहाँ पे रुको, ये इलेक्ट्रॉनिक्स धर्म काटा है, क्षमता 50 टन का है और यही काटा है। इसी पे जब जाता है गाड़ी तो यहाँ से वेट कर लेता है और अंदर यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। चलिए फिर आगे, तो सबसे पहले हम आप लोग को फल मंडी में लेके चलेंगे और फल मंडी का सैर कराऊंगा। यहाँ से फल मंडी स्टार्ट होता है, बहुत ही क्राउड होता है, बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पे। सब माल लेकर ही ऑटो में भर भर के लेके जा रहे हैं लोग। देख रहे हैं अप्रैल का महीना चल रहा है, हम आ गए। तरबूज पे लूट पड़ा है। तो इस तरह हम लोग फल मंडी से बाहर आ गए हैं, अब यहाँ से सब्जी मंडी स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये मंडी सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है और 12 बजे तक ही चलता है, क्योंकि 12 बजे के बाद से जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं यहाँ मंडी से माल ले जाकर अपने दुकान पर और सेलिंग करते हैं, तो इसलिए ये मंडी 12 बजे तक मतलब कि बहुत ही भीड़ कम हो जाता है। और इस तरह से ये पीछे हम लोग का फल मंडी है, फल मंडी मैं आपको घुमा दिया हूँ। और इधर देखिए ये पीछे पूरा खाने की व्यवस्था बना हुआ है। यहाँ पे लोग सुबह जब भोर में आते हैं तो यहाँ पे खाना जो नाश्ता करना होता है वो नाश्ता करते हैं। तो अभी हम आप लोगों को लेकर चलूँगा सब्जी मंडी, तो चलिए सब्जी मंडी के लिए चलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं सब्जी मंडी, सब्जी मंडी आपको घुमाता हूँ। तो यहाँ से सब्जी मंडी स्टार्ट होता है, ये सब्जी मंडी का नज़ारा है।
अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो सब्जी के ऐसा कोई आइटम नहीं है कि जो नहीं मिलेगा, सारे आइटम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग कभी आइए मऊ तो यहाँ सब्जी मंडी में ज़रूर आइए और ये सब्जी मंडी घूम कर ही जाइए। तो अभी मैं सब्जी मंडी में फ़िलहाल बैठा हूँ और यहाँ पे मतलब छोटे से लेकर बड़े स्तर तक सब्जियाँ लेके जाया जाता है। और मतलब कि अगर किसी के घर शादी हो या फिर किसी तरह का भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पे सब्जी बहुत बड़े स्तर पर लेके जाया जाता है। एक छोटे सब्जी से लेकर बड़े सब्जी तक मिलते हैं, सब्जी के सारे आइटम यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर बड़े स्तर पर ट्रक से आलू को उतारा जा रहा है और यहाँ पर इस वाले में प्याज है और ये पहलदार। तो इस तरह मैं आपको मऊ के सबसे बड़े मंडी में घुमा दिया हूँ। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये इतना बड़ा मंडी है कि यहाँ से लोग सब्जी और फल बहुत दूर दूर तक लेके यहाँ से फल और सब्जी लेकर जाते हैं। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे जगह का वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।